15 जून की देर रात्रि राकेश पिता हरे सिंह नायक उम्र 24 वर्ष निवासी सड़ियापानी थाना हरसूद के द्वारा बीड़ चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह खंडवा से एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगकर मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के घर सिंगाजी गांव के पास जा रहा था, तभी लिफ्ट देने वाले युवक के द्वारा पेशाब का बहाना बनाकर कुछ देर बाद उसके गले पर दराती से वार कर उसके पास रखे 9000 लूट लिए, जिस पर बीड़ चौकी प्रभारी राजेंद्र ठाकुर द्वारा तत्काल अपने वरिष्ठ को अवगत करवाया गया। तब पुलिस अधीक्षक खंडवा के द्वारा जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए। इसी कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा सीमा अलावा के द्वारा मार्गदर्शक होने पर SDOP पुनासा राकेश पेट्रोल के द्वारा घटना के संबंध में निर्देशित कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित की गई और पड़ताल कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले युवक प्रमोद पिता रामकृष्ण निवासी कनकनगर खंडवा को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस कार्यवाही के बाद आरोपी से लूटे गए 9000 में से 5000 नकदी बरामद की गई है एवं घटना में शामिल मोबाइल कीमती 20000 के साथ ही धारदार हथियार दराती भी जब्त की गई। पुलिस के द्वारा 10 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं SDOP राकेश पेंडो के द्वारा पुलिस थाना मुदी में पत्रकार वार्ता में इस बात का खुलासा किया गया है। देखिए, कल सुबह 11 बजे फरियादी राकेश पिता हरे सिंह नायक, यह निवासी सड़ियापानी थाना हरसूद का है, उसके द्वारा यहाँ पर थाने में आकर रिपोर्ट की गई कि परसों मतलब 18 तारीख को रात्रि में खंडवा से बीड़ आते समय जो व्यक्ति उसको लिफ्ट दे के लाया था, उसने बीड़ के आगे सिंहजी के पास में वहाँ पर फ्रेश होने के बहाने रास्ते में गाड़ी रोकी और वहाँ पर दराती दिखाकर उससे 9000 रुपये लूट लिए थे और रात्रि में उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई। अगले दिन यहाँ पर जो है रिपोर्ट की गई। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी स्वयं अपनी टीम के साथ एक्टिव हुए और इसमें जो है मुखबिर सूचना के आधार पर उन्होंने जो व्यक्ति फरियादी को लिफ्ट देकर लाया था उसकी पहचान की, जो कि आरोपी प्रमोद पिता रामकृष्ण साकल्ले, यह है निवासी कनकनगर खंडवा, इसको जो है उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और जो मौके पर जो दराती मिली थी उसको वहाँ से जब्त की गई, इसकी मोटरसाइकिल वहाँ से जब्त की गई और 9000 रुपये में से 5000 रुपये इसके पास से बरामद किए गए, बाकी जो रुपये नहीं मिले उसने खर्च कर देना बताया। इस तरह से संपूर्ण प्रकरण में जो है थाना प्रभारी उनकी टीम ने अच्छे से कार्य करके आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। खंडवा से रोमेश सलोजा की रिपोर्ट।